फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक रुमाल बनाना सिखा रही हूँ और उसमें हेमिंग करना सिखाऊंगी, जो कि छोटे बच्चों के कोर्स में सिखाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे मैं एक रुमाल आपके लिए तैयार करती हूँ। ये मैंने एक फैब्रिक ले लिया है, वाइट कलर का, इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वाइट कलर पर आपको अच्छे से शो हो जाएगा। और मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये इंची टेप है, ये मिल्टन चौक है निशान लगाने के लिए। इस पर मैं सिर्फ और सिर्फ, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, बस आप 8x8 का, 10x10 का कितना भी ले सकते हैं, जितनी आपकी इसकी लेंथ है उतनी ही आप ब्रेथ लीजिए। 8 इंच की मैंने यहाँ पर 8 इंच की मैंने लेंथ रखी है, तो 8 इंच की आप ब्रेथ रखिए, और ये यहाँ से भी 8 इंच, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर अच्छे से निशान लगा लिए हैं, देखिए मैंने बहुत अच्छे से निशान लगा लिया है। अब इसको मैं सिंगल लेयर इसकी कैंची से कटिंग करती हूँ। आप चाहें तो इस हैंकी को इस तरीके से भी फोल्ड करके देख सकते हैं कि आपका ये एज और ये एज आपकी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ पर एक अपना एक स्क्वायर हैंकी ले लिया है। अब मैं आपको इसमें एक हेमिंग करना सिखाऊंगी। हेमिंग किस तरीके से करें, मैंने ये पिंक कलर का धागा लिया है, ये पिंक कलर का धागा इसलिए लिया है ताकि आपको क्लियर थोड़ा सा नजर आए। ठीक है, हेमिंग करने के लिए मैं इसको एक बार, फिर एक बार और इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम इसको। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैं इसमें एक जरा सा नीचे फर्स्ट लेयर पे, फिर ऊपर इस तरीके से मैं इसको लेती हूँ। इस तरीके से आप फोल्ड कीजिए, नीचे लीजिए, ऊपर लीजिए, फिर नीचे हल्का सा, फिर ऊपर, फिर इसमें एक नीचे जो रुमाल की तय है इस पर लीजिए, फिर इसको ऊपर लीजिए। ठीक है, फिर इसमें नीचे एक छोटा सा टाँका लीजिए, फिर तिरछा लेके आप आगे बढ़िए। फ्रेंड्स, इसको फिर से फोल्ड करते हैं हम। देखिए ये पीछे से इस तरीके से हल्के हल्के छोटे छोटे टाँके आएंगे, और ये आगे से हमारे ये ऐसे तिरछे और बड़े बड़े टाँके आएंगे। फ्रेंड्स, बस पूरे हैंकी को हम इस तरीके से चारों तरफ से इसके एजेस को बना लेंगे। ये मैंने अभी आपको दिखाया था हैंकी बनाना, देखिए पूरे मैंने एजेस इसके बना लिए हैं, इस तरीके से फुल एजेस इसके बन चुके हैं, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से। अब हम, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पर इसके इसके कॉर्नर पर एक मैं आपको एम्ब्रॉयडरी करना सिखाऊंगी, तो आप किस तरीके से और डिफरेंट टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरीज अलग अलग एंट्रीज पर करना सिखाऊंगी। थैंक यू।